हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर चक्रधरपुर रेल मंडल से है, जहां पर चक्रधरपुर रेल मंडल के पानपोस रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया गया। मतलब कि यहां पे जो इनके पीआरएस काउंटर हैं और यूटीएस काउंटर है, जहां टिकट की बिक्री की जाती है, ये सारे काम प्राइवेट कंपनी के एजेंट करेंगे। इसे जो है रेलवे की जो एसटीबीए एजेंट के जो एसटीबीए के द्वारा एजेंट चुने जाते हैं उनको दिया गया है, और वही यात्रियों के द्वारा पैसे को कलेक्ट करके रेलवे को देंगे। दोस्तों, यहाँ पर अभी पिछले ऐसे मतलब कि 15 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसे प्राइवेट किया गया है। रेलवे के द्वारा ऐसा बताया गया कि यहाँ पर जो रेलवे के स्टाफ हैं जिनकी नियुक्ति वहाँ पर की गई थी, उनमें जो खर्च आते थे यहाँ से यात्रियों के जितने पैसे होते थे उससे ज़्यादा होते थे, इसलिए उसे जो है इस एसटीबीए एजेंट को सौंप दिया गया है, और वही जो है कमीशन के बेसिस पे यात्रियों से टिकट की मतलब टिकट को काटेंगे और रेलवे को पैसा देंगे। दोस्तों, अगली खबर धारा 370 को हटाने को लेकर है, जिसपे बौखलाए पाकिस्तान ने। समझौता एक्सप्रेस के बाद अब जोधपुर से चलने वाली जो पाकिस्तान को जाती है थार एक्सप्रेस, उसे भी बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी कि अब ये जो दोनों इंटरनेशनल ट्रेनें हैं जो कि पाकिस्तान को जाती हैं, उसे अभी पाकिस्तान के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये ट्रेनें चलती हैं कि नहीं, फिलहाल तो इन्हें जो है स्थगित पूरी तरह से कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर में अब मुंबई के तर्ज पर जो लोकल ट्रेन है, मुंबई की जैसी लोकल ट्रेनें होती हैं, वही कानपुर में भी अब इस तरह की लोकल ट्रेनें देखने को मिलेंगी। वहां के जो डीआरएम के द्वारा इसका सारा प्रोजेक्ट को बनाकर रेलवे के जो रेल मंत्रालय है उनके पास सारा कुछ भेज दिया गया है डिटेल्स। अब जल्दी यहाँ पर यहाँ जो है सब अर्बन ट्रेनों की तरह यहाँ पर भी लोकल ट्रेनें चलेंगी, जिससे यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को सहूलियत मिलेगी, साथ ही साथ जो ट्रैफिक है उसका लोड कम होगा। और रेलवे का कहना यह है कि यहाँ पर जो लोकल ट्रेनें हैं वह 100 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, उससे पहले जो है यहाँ के लोकल जो स्टेशन है, जो छोटे छोटे स्टेशन है, उन्हें रीडेवलप किया जाएगा, और ताकि वहाँ पर यात्रियों को जो है अच्छी सुविधाएं मिल सके, और इस लोकल ट्रेनों से जो विद्यार्थी वगैरह स्टूडेंट वगैरह जितने भी हैं उनको अच्छी खासी जो है सुविधा मिलेगी, और भी लोगों को जो लोकल लोग हैं उनसे जैसे मुंबई में लोकल ट्रेनें सुविधा मिलती है, उस तरह से यहाँ कानपुर में भी अब इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगली खबर दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से, जहाँ पर कोलकाता डिवीजन के 16 ऐसे लोको पायलट के केस सामने आए हैं जिन्होंने लेजर टेक्निक के द्वारा अपनी आंखों की रोशनी कम करा ली है। जांच के द्वारा पता चला कि उन्होंने इस तरह का काम इसलिए किया है क्योंकि आंखों की रोशनी कम कराने से उन्होंने देखा कि ऐसे जो है कम कराने से उनका काम जो है किसी ऑफिस या दफ्तर में बाबू के रूप में मिलेगा, और उन्हें जो है 30% उनके वेतन में इजाफा हो जाएगा। चेकिंग के बाद इस तरह की जब रिपोर्ट सामने आई तो रेलवे की जो आंखें खुली और उसने सभी जोन में जितने भी इस टाइप के जो जो आंखों की रोशनी कम कराए हैं उन पर जांच प्रक्रिया शुरू करा दी है कि ऐसे और लोग भी हैं क्या जो कि लेजर टेक्निक के द्वारा आंखों की रोशनी कम कराए हैं, ताकि उन्हें जो है ऑफिस में बाबू का काम मिल सके और उनके वेतन में 30% की वृद्धि हो सके। तो इस तरह से बहुत ही गलत बात है, लोग ऐसे जो है लोको पायलट भी इस तरह के केस जो है उनके रेलवे के सामने आया है जिसकी छानबीन अभी चल रही है। दोस्तों, अगली खबर इंडियन रेलवे में एक नई सर्विस को लेकर है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा 4 अगस्त से रेलवे में एक नई सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसमें अब अगर किसी का कंफर्म टिकट हो तो रेलवे की जो क्रिस है उसके द्वारा यात्रियों को उसमें अगर आप जब रिजर्वेशन करवाने जाएंगे तो उसमें जो आप अपना नंबर डालेंगे तो कंफर्म टिकट अगर ट्रेन कहाँ पर है, किस आपके स्टेशन पे कब पहुँचेगी, ये सारी डिटेल्स जो है उसकी रियल टाइम की स्थिति जो है उनको मैसेज से मिलती रहेगी। तो इस तरह से अप टू डेट जो है ट्रेनों का विवरण उनके जो है जो आप नंबर दिए रहेंगे उसी पे आपको मोबाइल नंबर पे मिलता रहेगा। यह क्रिस के द्वारा नई सर्विस की शुरुआत रेलवे की तरफ से की गई है। अब यात्रियों को ट्रेन के लिए पहले से नहीं जाना पड़ेगा स्टेशन पर, अगर ट्रेन लेट है तो सारी स्थिति वहाँ पर मिलती रहेगी, साथ ही साथ अगर ट्रेन कैंसिल वगैरह भी होता है तो उसकी भी जानकारी उनके मोबाइल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगली खबर देश की प्रीमियम ट्रेन राजधानी शताब्दी दुरंतों को लेकर है, जिसमें रेलवे के जो IRCTC के द्वारा इसमें जो ट्रेन में जो ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलती है उसमें अब जो है 40 रुपये का वृद्धि होने वाला है। बताया जा रहा है कि यात्रियों की हमेशा शिकायत आती है कि खाने की क्वालिटी बहुत कम है, इसमें अच्छे खाने नहीं मिल रहे हैं। तो रेलवे का कहना यह है कि पिछले 2 सालों से जो है इसके जो किराए मतलब कि इसमें जो पैसे में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए ऐसा क्वालिटी कम देखने को मिल रहा है। तो अब 40 रुपये देख ऐसा सामने आया है रिपोर्ट जिसमें कि 40 रुपये जो है खाने में वृद्धि हो सकती है, जिससे अब खाना जो है 150 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर महाराष्ट्र के बाद चंडीगढ़ देश का ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पर हाइपरलूप ट्रेनें चलाई जाएंगी।
हाइपरलूप ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव यहाँ के जो है सरकार के द्वारा दे दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जो है 2021 में हाइपरलूप ट्रेनें को जो है बनाने का काम शुरू होगा। इसके लिए यहाँ पर जो है 56,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट होंगे। यह जो है टारगेट दिया गया है जिसमें 2029 तक ट्रेनें जो है बनकर रेडी हो जाएंगी, जो कि 1100 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी। दोस्तों आज के रेल न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं कल के रेल न्यूज में, तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।